फोन क्यों नहीं उठा रहा? वायरलेस पिछले खंडर का पता दिया था? हाँ सर, पता तो ये कर दिया था। चलो पूरा खंडर छान मारो। ओके सर। सर ये देख, किसी ने इसे बुरी तरह मारा है, चेहरा पूरी तरह कुचल दिया है, पहचानना मुश्किल है, तलाशी ले इसकी। यस सर। ये देखिए सर, ये पास के कमरे से कोई आवाज आ रही है। ये आवाज इसी कमरे से आ रही है। जी सर, चलो देखते हैं। वरुण के सर पे काफी चोट आई है, अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर ने उसे अपनी निगरानी में रखा है। वरुण मिला कहाँ? एक गुमनाम नंबर से फोन आया कि वसई के खंडर में किसी की लाश पड़ी। हम वहाँ पहुंचे तो वरुण हमें वहाँ मिला और लाश भी मिली। अच्छा, किसकी लाश थी? लाश को पहचानना मुश्किल है।
चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है। उसके पास एक लाइसेंस मिला है जिस पर जुबिन का नाम लिखा है। जुबिन का? हाँ, उसकी शिनाख्त के लिए उसके पेरेंट्स को बुला लिया। कहाँ है लाश? मॉक रूम में। ओके मामा, तो मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके जी मामा, बाय। हाँ दवे बोल। केडी, जुबैन की हत्या भी डोमनी की हत्या की एक कड़ी है। जिस खंडर में वरुण को कैद किया गया था, उस खंडर की दीवारों पर जगह जगह कबीर की उंगलियों के निशान मिले। शक की सुई एक बार फिर से कबीर की तरफ है। थैंक्स दवे। योर ऑनर, जिस कबीर खान को बचाने के लिए पाठक साहब ने इतनी मेहनत की, एक नई थ्योरी बनाई, एक नई स्टोरी बनाई, एक लापता इंसान को गुनेगार ठहरा दिया, यहाँ तक कि अपनी चतुराई से, अपने हुनर से उस गुमशुदा इंसान के खिलाफ, जुबैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक इश्यू करवा दिया। पुलिस उसे ढूंढती रही, मिला जरूर वो योर ऑनर, लेकिन उसे कोई सजा नहीं सुना सकते आप। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली, बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है। और ये कत्ल किया किसने? एक बार फिर कबीर खान। क्या बात है कबीर जी, लगता है आपको आजादी अच्छी नहीं लगती। ये अदालत, ये कटघरा, राज आ गया आपको है? और मैं यूं ही कुछ नहीं कह रहा हूं पाठक साहब, यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है। ये थोड़ा उनसे शायद ठीक से मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ, ये भारी भरकम हथौड़ा, इससे वार किया आपने जुबिन पर। योर ऑनर, इस हथौड़े पे जुबिन का खून भी था और इनके उंगलियों के निशान भी। Oops. I'm feeling sorry for you, Mr. Pathak. जब मैं खंडर में पहुंचा तो मेरा पैर किसी चीज से टकराया, और जब मैंने उठा के देखा तो वो ये हथौड़ा था, और उसी वजह से इस हथौड़े पे मेरे उंगलियों का निशान आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उससे किसी का कत्ल किया है। आप तो शुरू से जो भी कह रहे हैं मतलब सिर्फ एक ही निकल रहा है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन ये सच नहीं है। क्या छोट छोट, ये बताइए कि आपका जो साथीदार था वो गार्ड कहाँ है? उस गार्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या पता वो कहाँ है। कौन से गार्ड की बात कर रहा हूँ मैं? बनवारी की। आप उसी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। मतलब कोई लेना देना नहीं है बनवारी द्वारपाल से आपका? कभी कोई वार्तालाप नहीं हुई? आर यू श्योर? मैंने कहा ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। और जोर से बोलिए, मैं उससे जोर से बोलूंगा और साबित कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कॉल रिकॉर्ड्स है। जुलाई शाम ठीक 6 बजे उसका फोन आया था, उसके फोन से आपके फोन पर, और उसके बाद आप वहां पे खंडर में पहुंचे थे जहां पे जुबिन की लाश मिली। अब क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सच है कि उस गार्ड ने मुझे फोन किया। उस गार्ड ने मुझे फोन किया था क्योंकि उसके पास में डोमिनिक की हत्या के बारे में कुछ अहम जानकारी थी, और जो वो मुझे बताना चाहता था। मैं बस वही जानने के लिए उस खंडर में गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो भी साबित हो जाएगा, एक झूठ तो पकड़ा गया ना आपका, ये झूठ भी पकड़ा जाएगा। खैर, ये बताइए कि जब आप वहां पे पहुंचे तब आपको वहां पे कोई मिला, कोई दिखा? मैं और प्रिसाइसली मैं आपको पूछता हूँ, वो पाठक साहब के जो सहयोगी वहाँ पे बैठे हैं वरुण, इनके सर पे वो पट्टी लगी हुई है, क्या उनको देखा था या उनको मिले थे? या जी नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ना ही आपने जुबिन को मारा और ना ही वरुण पे वार किया? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों मुझ पर बार बार इल्जाम लगा रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं बार बार। आप कातिल हैं, ये आपको पता है। अगर आप
अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं जुबान खींच कर भी सच उगलवा सकता हूँ। और हाउ आई टेल यू नाउ योर ऑनर, चश्मदीद गवाह पाठक साहब के सहयोगी वरुण को मैं यहाँ पे कटघर में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? वरुण जी, आप पाठक साहब की परछाई हैं, जाहिर सी बात है कि आप भी उनकी तरह सब कुछ सच सच और सीधा सीधा ही कहेंगे। तो बताइए कि ये सर पे चोट कैसे लगी? केडी सर को उस गार्ड बनवारी के बयान पर शक था, इसलिए उनके कहने पर मैंने उस गार्ड का पीछा किया। पीछा करते करते मैं उस खंडर तक पहुंचा। मैं गार्ड के पीछे उस खंडर में जाने ही वाला था तभी कबीर अपनी बाइक पर आकर रुका। कबीर उस खंडर के अंदर चला गया, मैंने उसका पीछा किया, लेकिन फिर अचानक किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया। किसी ने वार कर दिया? योर ऑनर, इस आयरन के रॉड से वरुण पे वार किया गया और इस आयरन के रॉड पे वरुण का खून भी है। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए जयसवाल साहब। मिस्टर वरुण झवेरी, आपके कथन के अनुसार आप उस खंडर पर उपस्थित थे जब कबीर खान अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आए और खंडर के अंदर चले गए। आपने उनका पीछा किया, यानी कि कबीर खान आपके आगे थे, आप उनके पीछे थे, और आपने अपने कथन में कहा कि वार आपके पीछे से हुआ है। ऐसा कैसे संभव है कि कबीर खान ने आप पर वार किया? लेकिन सर, वो आपके आगे थे। अंदर इतना अंधेरा था कि मैं आपको साफ तौर पे नहीं बता सकता। इनफैक्ट अंदर जाने के बाद मैंने कबीर को भी नहीं देखा। लेकिन सर, जिसने मेरे सर पर वार किया वो कबीर ही था। नहीं, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं जबकि आपने स्वयं अदालत को बताया है कि वार आपके पीछे से हुआ। तो आपने कबीर खान को देखा? जब मुझ पे पीछे से वार हुआ तब मैं मुड़ा, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन मैंने उसकी जैकेट देखी थी। वो जैकेट कबीर की है। मिस्टर वरुण झवेरी, ये जो जैकेट आपने पहना हुआ है हूबहू ऐसा ही जैकेट चार रंगों में मेरे पास है। क्या यह संभव नहीं कि जिस तरह का जैकेट कबीर खान पहने थे उस दिन, उसी तरह का जैकेट किसी और ने पहना हो? और वार लगने के बाद वैसे भी आंखें थोड़ी सी धुंधली हो जाती है और आपने कबीर खान का चेहरा नहीं देखा। जी नहीं। तो कुल मिला के अगर यूं कहा जाए कि जिस प्रकार का जैकेट कबीर खान पहने थे वैसा जैकेट आपके प्रहारकर्ता ने भी पहना था, किंतु आपने कबीर खान का चेहरा नहीं देखा, कबीर खान को आप पर वार करते हुए नहीं देखा, इसीलिए आप विश्वास से नहीं कह सकते कि कबीर खान ने आप पर वार किया। क्या ये सही होगा? जी हाँ, मैं विश्वास। थैंक यू। योर ऑनर, नहीं देखा उसका ये मतलब नहीं कि नहीं किया। दरअसल योर ऑनर, कबीर खान वहां पे बाइक पार्क करके खंडर में गए और जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने वरुण को देख लिया, इसलिए वो कहीं छिप गए अंधेरे में, वरुण का इंतजार किया और मौका पाते ही रॉड से वरुण के सर पे वार किया। जगह पे पहुंचे जहाँ पे इनके साथीदार बनवारी ने सुबिन को अगवा करके रखा हुआ था। वहां पे पहुंचने के बाद इन्होंने सुबिन की भी हत्या कर दी और इस बेरहमी से हत्या की ताकि उनका चेहरा भी पहचानने में ना आए, उनकी शिनाख्त तक ना हो सके। क्या बात है जयसवाल साहब, क्या बात है। आपके अपने गवाह मिस्टर वरुण झवेरी अपने आक्रमणकर्ता की पहचान नहीं कर पाए यहाँ कटघरे में, और आपने तो पूरा घटनाक्रम बता दिया बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप वहाँ स्वयं थे, लेकिन आप थे नहीं। चलिए, जाने दीजिए ये सब बातें। पूछना था आपसे कि आपके कथन के अनुसार कबीर खान ने सबसे पहले मिस्टर वरुण झवेरी पर इस सलीए से
लोहे के पाइप से वार किया, उसके बाद जुबिन पर हथौड़े से वार किया। तो क्यों ऐसा कि लोहे के पाइप पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है और हथौड़े पर इनकी उंगलियों के निशान है? हुआ क्या? वरुण पर आक्रमण करने के बाद कबीर खान ने लोहे के सलिए पे से, लोहे के पाइप पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछ दिए ताकि उस हमले के आरोप में ये गिरफ्तार ना हो। लेकिन जुबिन की हत्या हथौड़े से करने के बाद अपनी उंगलियों के निशान उस हथौड़े पर छोड़ दिए ताकि हत्या के आरोप में ये गिरफ्तार हो जाए। क्यों ऐसा कि एक जगह से उंगलियों के निशान पोंछ दिए और दूसरी जगह छोड़ दिए? ऐसा कैसे हुआ? एक्सप्लेन मिस्टर जायसवाल। Dumbfounded, Your Honor. I found the answer. Please. वार उस गार्ड ने किया, उसका साथीदार भी वहाँ पे था ना Your Honor, वो गार्ड बनवारी, उसने वार किया, उसने निशान पहुँच दिए होंगे। ये भाई साहब जो कबीर खान थे, निशान नहीं पहुँचे, पकड़े गए, गार्ड नहीं पकड़ा गया, अब गार्ड तो फरार है, लापता नहीं है Your Honor, फरार है। इसलिए जब तक बनवारी हमको मिलता नहीं है तब तक ये साबित नहीं हो सकता कि कबीर खान बेगुनाह है। संभावना है जो आप बता रहे कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा, तो ये भी तो संभव है कि कबीर खान सत्य बोल रहे हैं, कत्लों में इनका कोई हाथ नहीं। ये भी तो संभव है कि ये पूरा किया धरा उस द्वारपाल बनवारी का है और ये हत्याएं उसी ने की है। क्या ये संभव नहीं जायसवाल साहब? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, सॉरी योर ऑनर, एक्सक्यूज मी। पाठक साहब, आपकी संभावनाओं की भावना को पलटाए देते हैं। आपके हिसाब से वो गार्ड बनवारी ही सारे कांड का रचयिता था, उसी ने सारे खून किए हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि उसका भी खून हो गया? एक्सक्यूज मी, पहले आप क्यों बुझा रहे हैं? क्या बात है? समझाता हूँ योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे के मुताबिक गार्ड बनवारी किसी चौल में रहता था और उसी चौल में उसकी लाश पाई गई है। किसी ने चाकू से वार करके उसे मार डाला है। क्या हुआ होगा? क्या लगता है? संभव है के बनवारी ने पहले डोमिनिक को मारा, उसके बाद जुबैन को मारा और फिर बनवारी ने खुद चाकू मारा, लहूलुहान हो गया, अंतड़ियां बाहर निकल गई। ऐसी हालत में उसने जाके वो चाकू कहीं छिपा दिया ताकि मर्डर वेपन बरामद ना हो सके और फिर मर गया। योर ऑनर, प्राथमिक जांच के मुताबिक बनवारी की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, ठीक उसी रात जिस रात जुबैन की लाश पुलिस को मिली। योर ऑनर, ये कबीर खान बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने पहले डोमिनिक को मारा, फिर जुबैन को मारा, यानी कि जितने लोगों को उसके प्लान के बारे में पता था, जितने लोगों को पता था कि ये खून किया है, एक एक करके सबको मार डाला। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खून किए हैं कबीर खान ने। ये समाज के लिए बहुत ही घातक इंसान है। मैं अपील करता हूँ कोर्ट से योर ऑनर के फांसी के फंदे पे लटकाया जाए उसे, फौरन फौरन। घंटी बचेगी जायसवाल साहब, शांत हो जाइए। एक मर्डर से शुरू हुआ यह केस अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया है। सारे गवाह और सबूत कबीर खान के खिलाफ हैं, इसलिए यह अदालत बचाव पक्ष से चाहेगी कि वो कुछ ठोस सबूत और गवाहों को इकट्ठा करे, वरना उनके अभाव में यह अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाने को बाध्य हो जाएगी। द केस इज एडजर्न्ड टिल मंडे।
तो इस पूरे केस में तीन लोगों की हत्या हो चुकी है, डोमिनिक की, सुबिन की और उस गार्ड की, और सारे सबूत कबीर खान के खिलाफ है। सबको साफ नजर आ रहा है कि ये सारा किया धरा कबीर खान का ऐसा। सर आप ही सोचिए, कबीर खान के अलावा इन तीनों मर्डर से और किसको पर्सनल फायदा हो सकता है, और कौन हो सकता है, और कौन करेगा ये सब? और तो और सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था, जिसने मेरे सर पर वार किया था उसने वही जैकेट पहना था जो कबीर खान ने पहना था। वरुण, मरी जी का क्या होता जानता है? मिराज, एन इल्यूजन, रेगिस्तान की रेत पर पानी होने का आभास होता नहीं है, हमारा दृष्टिकोण हमें ये झूठा आभास दिलाता है, हमारी दृष्टिकोण हमसे झूठ बोलती है। लेकिन जैसे ही दूरी कम होती है, हमारे दृष्टिकोण बदलते ही वास्तविकता नजर आ जाती है। इस केस में भी ऐसा ही है, जो हमें दिख रहा है, जो औरों को दिख रहा है, ऐसा है नहीं, एक मरीज का है। वास्तविकता देखने के लिए हमें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अब तक हम पहले डोमिनिक, फिर जुबेन और फिर बनवारी की मृत्यु को देखते हैं। मुझे लगता है हमें अपना दृष्टिकोण बदल कर एक बार पहले बनवारी, फिर जुबेन और फिर डोमिनिक की हत्या को देखना चाहिए। कमरे में तो हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि मरने से पहले बनवारी की उसके हत्यारे के साथ झड़प हुई थी। तू बनवारी है और मैं हत्यारा, और मैं तुझ पे आक्रमण करूं। यही रुक। डी, डी फॉर, तू एक काम करो, डोमिनिक और कबीर खान के बीच आज तक जितनी रेसेस हुई हैं, मुंबई रेसिंग एसोसिएशन से कोशिश करके उनकी वीडियो फुटेज हमें मिले, तभी पता चलेगा। डी फोर, केडी बोलो। जुबेन की बॉडी लौटा दी उसके परिवार को? नहीं, सारी कार्रवाई तो हो चुकी है, बस आज उसे एंडोर करने वाले। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि एक काम करना दवे, कुछ भी करके कोई भी समस्या बताकर ये प्रक्रिया रोक दे, बाकी मिलकर बता दो। ठीक है, थैंक्स। हेलो, आप यहाँ? जी, आप कहीं जा रही हैं? जी, एक्चुअली डोमिनिक की डेथ के बाद मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सच कहूँ तो ये सब कुछ मुझे काटने को दौड़ रहा है। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं गोवा जाके अपने मॉम डैड के साथ रहूँ, इसीलिए बस यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। जी, मैं समझता हूँ एक पति को खो देने का गम क्या होता है। वैसे मैं भी बहुत बड़ा फैन था डोमिनिक का, उसकी रेसिंग का, उसके व्यक्तित्व का। देखिए ना इस तस्वीर में, इसका व्यक्तित्व झलक रहा है। क्यों वरुण, इस तस्वीर में? हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए ना,
ना डोमिनिक रहे ना उनका व्यक्तित्व। वेल, अब आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कुछ जरूरी काम था? जी नहीं, यूं ही डोमिनिक को श्रद्धांजलि देने आया। चलते हैं। वैसे जब तक इस केस का निर्णय नहीं हो जाता, आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। पुलिस ऑर्डर्स है। I'll see you in court. सब ये आप क्या कह रहे थे? आप डोमिनिक के फैन? मैं कुछ समझा नहीं। आपने पहले कभी नहीं बताया कि आप कारेस में इतना इंटरेस्ट रखते हैं। वरुण, मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि डोमिनिक और कार रेसिंग में नहीं, डोमिनिक की पत्नी रोजी में। नॉट दैट वे, सिली बॉय। उसकी सारी डिटेल्स पता कर। मुझे लगता है अगली कड़ी रोजी से ही जुड़ी हुई है। चल आ जा दवे, तेरी वेट कर रहा था। बैठ। क्या बात है, अचानक ऐसे क्यों बुलाया? एक बहुत जरूरी काम था दवे। कल अदालत में कबीर खान की पेशी है और मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है। असली दोषी गोवा में। मैं चाहता हूँ कि तू तुरंत गोवा जाए। जैसे ही तू गोवा पहुंचेगा, मैं तुझे SMS द्वारा एक ठिकाना भेजूंगा। तुझे वहां असली हत्यारा मिलेगा। बस तू उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दे। पर किड़ी, बिना परमिशन के मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ दवे, मैं समझता हूँ कि काम थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा कठिन है, इसीलिए तेरी सहायता मांग रहा हूँ। देख दवे, कहीं ना कहीं हम दोनों न्याय के रखवाले हैं। पुलिस फोर्स में तो कहते हैं सदा सत्य की विजय हो और बुराई की पराजय। तू ही है जो निर्दोष को बचाकर दोषी को सजा दिला सकता है। प्लीज। योर ऑनर, इस केस में अभी कोई शक की गुंजाइश तो है ही नहीं। पूरा केस शीशे की तरह साफ है। इसलिए एक बार फिर मैं अदालत से अपील करता हूं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कबीर खान को डोमिनिक, जुबिन और बनवारी के खून करने के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई जाए। 10 मिनट योर ऑनर, मैं 10 मिनट में साबित कर दूंगा कि कबीर खान ने जुबिन की हत्या नहीं की। उप्स, आपकी लाइन भूल गया, क्षमा चाहता हूं। वास्तविकता में योर ऑनर, जिस दिन पुलिस ने जुबिन का शव बरामद किया, जुबिन की हत्या उस दिन नहीं हुई थी। पाठक साहब जी, बता दीजिए क्या कहना क्या चाहते हैं, कैसे यकीन से कह सकते हैं, समझाइए ना। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि प्रोसिक्यूटर के प्रश्न का उत्तर देने में जुबिन की माताजी यहाँ कटघरे में आकर मेरी सहायता करें। इजाजत है। माताजी, आपके पुत्र के साथ ऐसा हुआ, उसके लिए अदालत अपना शोक व्यक्त करती है। ये बताइए कि जिस समय पुलिस ने आपके बेटे का शव बरामद किया, चेहरा एकदम पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया था, कैसे पहचान की आपने अपने बेटे के शव की? जिस दिन रेस होने वाली थी, उसके 2 दिन पहले जुबिन अहमदाबाद आया था, हमसे मिलकर गया था, और वो बता रहा था कि वो कोई बड़ा काम करने जा रहा है, जिसके बाद उसका नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। और उसने उस दिन वही कपड़े पहन रखे थे। और वही कपड़े जुबिन की डेड बॉडी पर पाए गए, और उन्हीं कपड़ों में जुबिन का ड्राइविंग लाइसेंस भी पाया गया है, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है पूरी तरह से। शिनाख्त तो पूरी तरह से नहीं कहा जाता जायसवाल साहब। उदाहरण के तौर पर अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आपकी जेब में मिले तो क्या आप KD पाठक बन गए? गॉड फॉरबिड। सत्य तो ये है योर ऑनर की पुलिस को चकमा देने के लिए, कानून को गुमराह करने के लिए हत्यारे ने उस शव पर जुबिन के कपड़े डाले और उन कपड़ों में जुबिन की ड्राइविंग लाइसेंस रखी। एक हद तक हत्यारा ऐसा करने में सफल भी हो गया था योर ऑनर, किंतु मुझे संदेह हुआ और मैंने उस शव का DNA टेस्ट करवाया, जिससे पाया गया योर ऑनर कि जो शव पुलिस को मिली थी वो जुबिन की है ही। Order, order. Silence in the court, please.
जायसवाल साहब, 2 ही मिनट लगे। चलिए बाकी 8 मिनटों में केस ही खत्म कर देता हूँ। योर ऑनर, मैं डोमिनिक डिसूजा की पत्नी रोजी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? मिसेस रोजी डिसूजा, या कहूँ डॉक्टर रोजी डिसूजा, आप सिटी हॉस्पिटल में सर्जन थी। 27 तारीख को डोमिनिक की मृत्यु हुई, 28 तारीख को आपने इस्तीफा दे दिया हॉस्पिटल में। क्या कारण था इसके पीछे? एक्चुअली मैं डोमिनिक की यादों से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं शहर छोड़ दूंगी, और इसीलिए मैंने रिजाइन भी किया। तो फिर क्या कारण था डॉक्टर डिसूजा की 2 जुलाई को जुबिन का शव जिस दिन मिला, 3 जुलाई को, उसके एक दिन पहले आपने 2 जुलाई को अपने अस्पताल के शव घर से एक मृत शरीर निकलवाया? क्या कारण था इसके पीछे जब आप इस्तीफा दे चुकी थी अस्पताल में? जी, नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और इनफैक्ट मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? आपने किया है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि अस्पताल के शव घर के कर्ता धर्ता उनका बयान जज साहब की मेज पर रखा है। क्यों किया ये प्रश्न है, ये जानना चाहते हैं। कृपया करके बताएंगे अदालत को? ओह हाँ, मुझे याद आया, वो एक्चुअली मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड को अपनी क्लास के लिए एक डेड बॉडी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वहाँ से बॉडी निकलवाई। एक्चुअली सिर्फ नाम मेरा था, ज़रूरत उनकी थी। ये जो डॉक्टर हैं आपके मित्र, क्या नाम है उनका, नंबर इत्यादि तो होगा, क्यों ना उन्हें अदालत में बुलाकर पूछा जाए कि क्यों उन्होंने आपकी सहायता ली, जबकि वो स्वयं एक डॉक्टर हैं, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी आपकी सहायता लेने में? जी वो नो, आई मीन आई सॉरी, लेकिन ये सब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, यू नो। क्यों डॉक्टर डिसूजा, आप अपने पति डोमिनिक के हत्यारे तक पहुंचना नहीं चाहती, या फिर आप डर रही हैं बताने से, क्योंकि जो शव आपने अपने अस्पताल के शव घर से निकलवाया था उसके डीएनए डिटेल्स उस शव से मैच करते हैं जिसे हम अब तक जुबिन समझ रहे हैं। इसे फंसाने की कोशिश की। आप चाहती थी कि उन्हें सजा मिले, अब तक तो ये साबित भी नहीं हुआ कि इन्होंने हत्या की है। चलिए आप सत्य की राह पर चल पड़ी हैं, तो ये भी बता दीजिए कि उस शव पर जुबिन के कपड़े और वो ड्राइविंग लाइसेंस, ये कैसे प्राप्त हुआ आपको? क्या आप जानती हैं कि जुबिन कहाँ है इस समय? नो, मुझे नहीं पता कि जुबिन कहाँ है। एक्चुअली रेस से एक रात पहले जुबिन घर आया था, उसने अपनी बाइक और एक बैग हमारे घर पर ही छोड़ दिया। उस बैग में उसके कुछ कपड़े और एक ड्राइविंग लाइसेंस था। बस उन्हीं चीज़ों के सहारे मैंने इसे फंसाने की कोशिश की, ताकि इसे इसके किए की सजा मिल सके। गोल 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 घुमा रहे हैं केस को पाठक साहब, लंबा लंबा खींच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका कहना क्या है कि जुबिन ने पहले डोमिनिक को मारा और फिर वो जो बनवारी है उसने जुबिन के खिलाफ गवाही दी, इसलिए उसको गुस्सा आया, इसलिए जुबिन ने बनवारी को भी मार डाला और फिर खुद फरार हो गया? दैट इज व्हाट यू वांट टू से? एब्सोल्युटली नॉट मिस्टर जायसवाल। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुबिन ने ना तो गार्ड बनवारी की हत्या की है, ना ही डोमिनिक, क्योंकि हत्या करने के लिए हत्यारे का जीवित होना आवश्यक है। एक मृत व्यक्ति किसी की हत्या कैसे कर सकता है? पाठक साहब, या तो मेरी दिमागी हालत खराब है या तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले मैंने जब कहा था कि जुबिन मर गया है, तो आपने ये कहा कि नहीं, जुबिन तो मरा ही नहीं, तो मैं ये समझा कि चलो वो जिंदा है,
और जब मैं ये समझ के मैंने कहा कि उसने ही डोमिनिक और बनवारी को मारा, तो आप कह रहे कि वो जिंदा नहीं, वो मरा है। तो नहीं, जिंदा है, मरा है, मरा है या जिंदा है, क्या कंफ्यूजन है भाई? निर्णय ले लिया मैंने जसवाल साहब, आपको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। और ये जो कन्फ्यूजन, दिमागी कन्फ्यूजन चल रहा है आपके मन में, इसका समाधान करने के लिए योर ऑनर में एक बार फिर जुबेन की माता जी को डॉक में बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है। माता जी, ये बताइए कि आपके बेटे जुबेन में शारीरिक रूप से कोई ऐसी बात थी जिसके कारण दूर से उसे पहचाना जा सके? हाँ, मेरा जुबेन चलते हुए हल्का सा लंगड़ाता था। ये बात आमतौर पर नजर नहीं आती थी, लेकिन अगर गौर से देखो तो समझ में आता था। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप विराजिए, बैठिए। योर ऑनर, इससे पहले कि प्रोसिक्यूशन मुझसे ये पूछे कि जुबेन लड़खड़ाता था, उसका डोमिनिक के केस के साथ या इस केस के साथ क्या लेना देना, मैं अदालत में एक वीडियो फुटेज चलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। योर ऑनर, 2009 के रेस की ये वीडियो फुटेज, जहां हम देख पा रहे हैं कि कबीर खान और डोमिनिक एक साथ चले आ रहे हैं अपनी गाड़ियों की ओर। ये 2012 की ऐसी ही वीडियो फुटेज, जहां डोमिनिक और कबीर खान अपनी अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं। योर ऑनर, 2012 की फुटेज को जरा गौर से देखिए। डोमिनिक चलते समय लंगड़ा रहा है, जबकि 2009 की फुटेज में वो लंगड़ा नहीं रहा है। और वो व्यक्ति इसलिए लंगड़ा रहा है योर ऑनर, क्योंकि डोमिनिक के हेलमेट और कपड़ों के नीचे डोमिनिक नहीं, जुबेन था। उस कार में, उस कार रेस के दौरान गाड़ी के विस्फोट में डोमिनिक नहीं, जुबेन मारा। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। पाठक साहब, क्यों केस को लंगड़ा बना रहे हैं? हैं? क्या कहना चाहते हैं? 2009 में वो लंगड़ा नहीं रहा था, 2012 में लंगड़ा रहा है, मतलब वो डोमिनिक नहीं है, जुबिन है क्या? इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि जो लंगड़ाता है वो जुबिन होता है, जो नहीं लंगड़ाता वो डोमिनिक होता है? मान लो कल उठकर मुझे चोट लगी, मैं लंगड़ाने लगा, तो मैं क्या जुबिन बन जाऊंगा? वास्तविकता में आपकी अकल लंगड़ा गई है जैसा। अगर मैं ये साबित कर दूं कि वो डोमिनिक नहीं, जुबिन था, आप मानेंगे कि आपकी अकल लंगड़ा? 100% मान लूंगा सर। योर ऑनर, ऐसा करने के लिए मुझे डॉक्टर रोजी डिसूजा को एक बार फिर कटघरे में बुलाना पड़ेगा। आपकी अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डॉक्टर रोजी डिसूजा, इस लॉकेट को पहचानती है आप? नो सर। ध्यान से देखिए, डी, डी फॉर डोमिनिक। No, sorry. कमाल करती है, इस लॉकेट से इतना पुराना संबंध रहा है आपका। और आप ये देखिए, तस्वीरें हैं कुछ डोमिनिक की, और तस्वीर में डोमिनिक ये लॉकेट पहना हुआ है। ये तस्वीर आपके साथ, इसमें भी यही लॉकेट पहना है डोमिनिक। कमाल है। और आप इस लॉकेट को पहचानने से इनकार कर रही हैं। Excuse me, sir. योर ऑनर, दुर्भाग्य की बात है कि अपने पति के हत्यारे तक नहीं पहुंचना चाहती डॉक्टर डिसूजा। आप हमें इस केस को, इस गुत्थी को सुलझाने में आप हमारी सहायता नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं योर ऑनर, ये नहीं कहेंगी तो अब आगे हमारी सहायता वही करेगा जो इस केस की जड़ है, षड्यंत्र का रचयिता डोमिनिक डिसूजा। अंततः
षड्यंत्र का रचयिता मिस्टर डोमिनिक डिसूजा पुलिस की गिरफ्त में आई क्या? मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके यहाँ आपके आगमन से पहले बड़ी विस्तार में इस अदालत में आपकी चर्चा हो चुकी है, कैसे आपने जुबिन को अपनी जगह उस रेस में भेजा, वहाँ कार के विस्फोट में उसकी हत्या हुई जिसका आरोप आपने कबीर खान के माथे थोपा, और फिर आपने गार्ड बनवारी की भी हत्या की, बाकी के जो महान काम आपने किए हैं, कृपया कर स्वयं इस अदालत को बताने की चेष्टा करेंगे आप? हाँ, ये सही है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने ही अपनी नकली मौत की साजिश रची, मैंने ही जुबिन को अपनी जगह रेस में भेजकर उसकी हत्या की। और कबीर को फंसाने की साजिश भी की, और मैंने ही गार्ड बनवारी का खून भी किया, और ये सब कुछ तो मैंने इंश्योरेंस के अमाउंट के लिए किया था। ये प्लान मेरी जहन में तभी आ गया था जिस दिन मैं जुबिन से मिला। मेरा बहुत बड़ा फैन था वो, कदकाठी में बिल्कुल मेरे बराबर का ही था। जुबिन ने मुझे बताया कि उसने एक बॉम्ब का प्रोटोटाइप तैयार किया है, और मैंने जुबिन से एक बॉम्ब तैयार करवाया और कहा कि मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ा मौका देने जा रहा हूँ, इस बार मेरी जगह रेस में तुम भाग लोगे, और जब तुम ये रेस जीत जाओगे तो तुम भी डोमिनिक की तरह एक ग्रेट रेसर अपने आप बन जाओगे। पर उस पागल ने बिना कोई सवाल किए मेरी बात पर भरोसा कर लिया। गार्ड को अपने साथ मिलाकर मैंने अपनी ही गाड़ी में स्पीडोमीटर बॉम्ब फिट करवाया। रेस स्टार्ट हुई, और कबीर मेरी हत्या के केस में फंस गया। पर मुझे डर था केडी पाठक की दलीलों से, इसलिए मैंने गार्ड को पहले ही बोलकर रखा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जुबिन का नाम ले लेना। कानून और पुलिस दोनों कभी जुबिन को ढूंढ नहीं पाएंगे, और यह केस यूं ही उलझता रहेगा। तभी कबीर को रिहा कर दिया गया। मुझे मेरा प्लान फेल होता नजर आ रहा था, तभी मैंने अपनी वाइफ की मदद से एक डेड बॉडी का इंतजाम किया। जुबिन के कपड़े, लाइसेंस सब था मेरे पास, और मैंने उस लाश को जुबिन साबित किया। गार्ड को बोलकर मैंने कबीर को खंडर में बुलाया, और कबीर वहां पर आया भी, पर उसके पीछे पीछे वरुण चला आया। वरुण को मैंने ही बेहोश किया था। मुझे डर था कि गार्ड पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी अपना मुंह खोल सकता था। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और डोमिनिक डिसूजा के इकबाले बयान के आधार पर यह अदालत डोमिनिक डिसूजा को अपने ही कत्ल के झूठे षड्यंत्र, जुबेन के कत्ल और गार्ड बनवारी के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए केस चलाने का आदेश देती है और कबीर खान को बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब। हाँ जयसवाल साहब। तो मुझे मानना था ना, आप मेरी अकल का आप जो। हाँ, आपकी अकल लंगड़ा। लंगड़ा ही नहीं। सिर्फ चोट आई। चोट आई है। हो जाएगी। और मैं जीत के दिखाऊंगा। और जीत के दिखाएंगे। यस। क्या लगता है आप लोगों को, जयसवाल साहब की अकल में जो चोट आई है क्या ठीक हो जाएंगी, जीत जाएंगे वो?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.